बिहार की सुशासन बाबू वाली सरकार में एक और शर्मनाक अपराध को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकार एक विधवा महिला हुई है और वो भी राजधानी पटना में, जहां के गौरीचक थाना क्षेत्र के फहीमपुर गांव में एक 45 साल की विधवा को अगवा कर गैंगरेप किया गया और फिर उसका वीडियो भी बना लिया। मिली जानकारी के अनुसार गैंगरेप के इस कथित वीडियो को घटना के 10 दिन बाद वायरल किया गया है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उधर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता पटना में दाई का काम करती है। काम करके वह पटना से अपने गांव जा रही थी। गांव पहुंचने से पहले गौरीचक क्षेत्र के रास्ते में उसे बाइक पर सवार 2 युवक मिले। युवकों ने पूछा कहां जाना है तो महिला ने अपने गांव का पता बताया। इस पर दोनों युवकों ने उसे गांव तक छोड़ देने की बात कही और महिला को बाइक पर बैठा लिया। बाद में दोनों युवक उसे पुनपुन बांध की ओर सुनसान जगह स्थित एक झोपड़ी में ले गए, जहां 6 युवक और आ गए। इसके बाद महिला के साथ आरोपितों ने बारी बारी से गैंगरेप किया। इस दौरान युवकों ने महिला को शराब पिलाने की भी कोशिश की। सभी युवकों की उम्र महज 22 से 24 साल बताई जा रही है। वहीं पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि दरिंदगी करने वाले सभी आरोपित शराब के नशे में थे। विरोध करने पर सभी ने जान से मारने की धमकी भी दी।